हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, इन आर राइट एंगल ट्रेंगल इट इज गिवन डेट ए इज इन एक्यूट एंगल एंड 10A इज इक्वल टू 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट वन में हमें कॉस ए की वैल्यू पता करनी है, पार्ट टू में हमें साइन ए की वैल्यू पता करनी है और पार्ट थर्ड में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए की वैल्यू पता करके बतानी है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर वन बाई वन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया है। यहाँ पर से बी वाला जो है ये राइट एंगल है। तो चलिए देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमें कॉस के साथ में एंगल ए है और साइन के भी साथ में एंगल ए है। तो इस ट्रेंगल में हम लोग एंगल ए लेकर के चलेंगे। अब हमने एंगल ए लिया है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रेंगल के सामने जो राइट एंगल होता है ट्रेंगल में उसके सामने वाली टेटी जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो ये वाली जो इसकी साइड एसी है वो हाइपोटेनियस है ट्रेंगल में और जो नीचे वाली बची हुई साइड वही बेस है। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें करना यह है इस ट्रेंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में 10A इक्वल टू 5/12 दिया गया है। तो यहाँ पर पहले इसे नोट डाउन कर लेंगे 10A इक्वल टू 5/12। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी कंपेयर कराएंगे। जब हम लोग कंपेयर कराएंगे तो पाएंगे यहाँ पर से परपेंडिकुलर जो है 5 है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू फ्रेंड 5 मिल गई है और नीचे इनके डिनोमिनेटर की कंपेयर कराएंगे तो बेस जो है ये 12 है। तो फ्रेंड हमने बेस की वैल्यू पता कर ली है जो कि 12 है। तो फ्रेंड अब हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए फ्रेंड इसके लिए देखिए हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, हाइपोटेन्यूज इजिकल टू अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर 5 और बेस की जगह पर 12 ये वैल्यू हमने पुट कर लिए हैं। तो आगे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर जब इसका 5 पे स्क्वायर लगाए स्क्वायर करके लिख देंगे तो 25 आ जाएगा, 12 पे स्क्वायर है 12 का भी स्क्वायर करके लिख लेंगे 144 आ जाएगा। तो अब ये अंडर रूट के अंदर हमने लिख लिया है फ्रेंड, अब इसे अंडर रूट के अंदर ही प्लस करेंगे, दोनों में प्लस साइन है। तो जब इसे प्लस कर लेंगे तो फ्रेंड अंडर रूट के अंदर 169 आ जाएगा। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो 169 होता है 13 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 13 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, देखिए जो स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता करनी थी जो कि हमने पता कर ली, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आई है। तो यहाँ पर हम लोग 13 रख देंगे। तो फ्रेंड अगर ये आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके इसे नोट डाउन कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड देखिए पार्ट वन में हमें कॉस ए की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इजिकल टू, अब कॉस के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बेस 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है, तो बेस की जगह पर 12 और हाइपोटेन्यूस की जगह पर 13 पुट कर देंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू पता कर ली है 12/13। तो यहाँ पर पार्ट वन की ये वैल्यू हमने पता कर ली है। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू पता करेंगे। साइन ए के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 13, तो परपेंडिकुलर ऊपर रख देंगे यहाँ पर 5 और नीचे हाइपोटेनियस की वैल्यू रख देंगे 13। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने साइन ए के लिए वैल्यू ये पता कर लिए है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने पार्ट वन और पार्ट टू सॉल्व कर लिया है। पार्ट वन में कॉस ए की वैल्यू पता करनी थी, पता कर लिए 12/13 और साइन पार्ट टू में हमें साइन ए की वैल्यू पता करनी थी वो भी पता कर लिए जो कि 5/12।
13 है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने दोनों पार्ट की वैल्यू पता कर दी है। अब चलिए पार्ट थर्ड वाले की वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। देखिए पार्ट थर्ड की वैल्यू पता करने के लिए हमें कॉस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए होगी। तो फ्रेंड अभी हमने कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पता कर ली है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर मैंने कॉस ए है तो कॉस ए की वैल्यू पता यहाँ पर पुट कर दी है 12/13, बीच में प्लस साइन ए, ये मैंने प्लस साइन लगा दिया है। साइन ए की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है साइन की 5/13। चलिए अब इसके डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए कॉस ए कॉस की जगह पर 12/13 रख देंगे, माइनस बीच में लगा है मैंने लगा दिया है, और साइन की जगह पर 5/13 मैंने पुट कर दिया है। तो फ्रेंड अभी मैंने ये सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं। चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से ऊपर वाले टर्म में इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने एक बार लिख लिया है और ऊपर वाले नंबरों को प्लस करके लिख लिया है, मतलब प्लस साइन के साथ में लिख लिया है। सेम काम नीचे करेंगे, देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है लेकिन नीचे साइन देखिए माइनस है, तो यहाँ पर मैंने 12-5 करके लिख लिया है। तो अब देखिए फ्रेंड ये जो इसके यहाँ पर से ये 13 इस 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड ऊपर बचा है यहाँ पर से 12 प्लस 5 को जब यहाँ पर से दोनों को प्लस कर लेंगे तो 17 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर 12-5 है, 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 17/7 आ जाएगा। तो ये भी इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से 17 को डिवाइड कर देंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें 2 and 3/7 मिल जाएगा। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने पार्ट थर्ड भी इसका सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर 2 and 3/7 आया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट करें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।